नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल में ईद मिलादुन नबी धूमधाम से मनाई गई। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में ईद मिलादुन नबी बड़े धूमधाम से मनाई गई। ईद मिलादुन नबी के बारे में बताया जाता है कि इस दिन इस्लाम धर्म के पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म के मौके पर यह ईद मिलादुन नबी हर साल इस्लामी तारीख 12 रबीउल अव्वल के दिन मनाई जाती है। हजरत मोहम्मद साहब के वालिद यानी पिता का नाम अब्दुल्ला तथा उनकी वालिदा यानी मां का नाम बीवी आमना था। मोहम्मद साहब का जन्म अरब देश के काबा नामक शहर में हुआ था। मोहम्मद साहब कुरैश घराने से ताल्लुक रखते थे। जब मोहम्मद साहब 2 महीने के थे तभी उनके वालिद यानी पिता का इंतकाल हो गया तथा उनकी वालिदा यानी माता भी कुछ दिन के बाद इंतकाल फरमा गई। मोहम्मद साहब की परवरिश उनके चाचा अबू तालिब ने की। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ 23 वर्षों में खुदा के फरिश्ते जिब्राइल द्वारा थोड़ा थोड़ा करके मोहम्मद साहब को सुनाया गया। कुरान शरीफ इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम धर्म के सिद्धांतों में खुदा एक है, भाईचारा रखने, स्त्रियों और गुलामों की मदद करना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, अपनी आमदनी का 2.5% हिस्सा दान में देना, मजबूर बेबसों की मदद करना, हज करना, जकात देना प्रमुख है। मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों में खुदा को एक मानते हुए सभी पैगंबर को मनाना, हजरत मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर मानना प्रमुख है। इस्लाम धर्म का सार है कि खुदा या ईश्वर की मर्जी पर अपने आप को समर्पित कर देना। आज ईद मिलादुन नबी के अवसर पर शहर की हर मस्जिद से जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ खुशियां मनाते हुए हजारों लोगों ने शहर का गश्त किया। जगह जगह इस जुलूस का स्वागत किया गया तथा हर जगह मिठाइयां एवं अन्य खाद्य सामग्रियां वितरित की गई। इस जुलूस के साथ शहर के जितने भी मौलाना उलमा कारी थे वह इस जुलूस में शामिल हुए तथा ये जुलूस शहर की जामा मस्जिद पर आकर खत्म हुआ। जामा मस्जिद पर शहर की जितनी मस्जिदों के इमाम थे उनका स्वागत करते हुए उन्हें हार पहनाए गए। उसके बाद सभी हाफिज कारी द्वारा हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बयान किए गए। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर सभी लोगों का जोश देखते बन रहा था। खास करके छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथ में झंडा लिए नारे लगाते हुए पूरे जोश के साथ पूरे शहर का गश्त करते नजर आए। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। आज ये जो हजारों की तादाद में लोग नजर आ रहे थे ये क्या? आज हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश था यानी बर्थडे, जिसको जमाने कदीम से उम्मत मुस्लिमा के लोग ऐसी इसी शान के साथ मनाते हैं। और हमारा ये मानना है कि अगर हमारे नबी ना आते तो ना हमें कुरान मिलता, ना हमें नमाज मिलती, ना हमें ईद मिलती, ना बकरीद मिलती। जो कुछ भी मिला है वो नबी के सदके में मिला है, इसलिए हम नबी की आमद को फर्ज और वाजिब समझ के नहीं लेकिन मुस्तहब अमल में सबसे बेहतर अमल समझ के इसे मनाते हैं और इससे हम अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। तो आज का ये जो खास प्रोग्राम था वो हुजूर की शायान शान तो नहीं था लेकिन हम अपनी हैसियत के मुताबिक अपने नबी को खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। और कुछ पब्लिक जनता के बारे में? हाँ, जनता ने तो अभी बहुत अच्छा मुजाहिरा किया है और हम इनसे अपील भी यही किए हैं कि आप जो पैगंबर ने अपनी तालीमात को, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी बचाओ का नारा उस वक्त दिया जब बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, तो अपनी 4 बच्चियों को पाल के बताया। बेवाओं को मकाम उस वक्त में दिया जिस वक्त में लोग उन्हें बेइज्जत करते थे, घर में नहीं रखते थे, उस वक्त में उन्होंने अपनी 25 साल की जिंदगी कुंवारी जिंदगी में 40 साल की बेवा से शादी करके जमाने को ये बताया कि हम जमाने से भेदभाव और इस तरीके की नफरतों को ख़त्म करके जो पैगाम देना चाहते हैं ये डाइवर्ट होगा और क़यामत तक ये चलता रहेगा। तो हम उस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीमात को आम करने के लिए दुनिया के सामने ये अपील करते रहते हैं।